हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा बेफिक्रे के डे वन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस के बारे में, यानी पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस के बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ आपको कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बाकी चीजें समझने के लिए। कहीं ना कहीं कुछ कलेक्शंस मैंने पिछले बार में मतलब ऐसे दिए जो थोड़े बहुत गलत थे, रीजंस उसके मैं बताऊंगा। सबसे पहले कलेक्शंस की बात करता हूँ और क्या गलती थी वो मैं बताता हूँ। तो कलेक्शन पहले दिन का जो इंडिया में हुआ है, जो डोमेस्टिक कलेक्शन हुआ है ऑल ओवर इंडिया में बेफिक्रे का पहले दिन का, वो हुआ है 10.36 करोड़, यानी कि 10 करोड़ फिल्म ने कमा लिए। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं ग्रॉस कलेक्शन की इंडिया के। तो ग्रॉस कलेक्शन इस फिल्म का आया है 14.39 करोड़। अब आप सोचोगे नेट कलेक्शन और ग्रॉस कलेक्शन क्या है, तो यही मैं बताना चाहता हूँ नेट कलेक्शन और ग्रॉस कलेक्शन के बारे में। ग्रॉस कलेक्शन यानी कि आपका जितना भी लागत लगी है वो पूरा और जितना इनकम आई है, राइट। जैसे सपोज मैंने मेरा मेकिंग कॉस्ट है 8 रुपए किसी साबुन का और उसके ऊपर मुझे अर्निंग हुई है 12 रुपया। साबुन कितने का? 8 रुपए का। मुझे अर्निंग हुई है 12 रुपए की, तो मैं ओवर टोटल पकड़ूंगा कि 12 रुपया मेरा ग्रॉस कलेक्शन है या ग्रॉस है और 8 रुपया मेरा नेट है कलेक्शन। समझ में आ गया होगा, मतलब प्रॉफिट को आप माइनस कर दोगे तो आपको नेट कलेक्शन सामने आता है। सेम इसी तरह अब बॉलीवुड में फिल्मों में ये ग्रॉस और नेट का क्या सीन है, तो मैं बताता हूँ। जैसे कि फिल्म रिलीज हुई, फिल्म का जो मेकिंग बजट होगा जितना होगा, सपोज आप एंटरटेनमेंट टैक्स की बात कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अलग अलग स्टेट्स में इंडिया में एंटरटेनमेंट टैक्स अलग अलग है, कुछ स्टेट्स में फ्री है जैसे आसाम अरुणाचल प्रदेश में, तो कहीं टिकट्स का काफी ज्यादा रेट है। एंटरटेनमेंट टैक्स 30% से लेकर 110% तक है इंडिया में, पता है आपको। यानी कि अगर मेरी फिल्म का जो बेसिक कॉस्ट है टिकट का वो 100 रुपया है, तो झारखंड में 210 या 220 होगा उस टिकट का कॉस्ट, और केरला में 30% आप डाल दो यानी 130 135 तक का कॉस्ट जाएगा 100 रुपए की मूवी का। तो एंटरटेनमेंट टैक्स इतनी बड़ी चीज है, तो जितना जो जैसे केरला की बात कर लो तो 100 रुपया है टिकट और उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स लगा दिए 35% जो भी लगा दिए 30%, तो 130 का टिकट हो गया। ठीक है, तो 130 मेरा ग्रॉस कलेक्शन है और 100 मेरा नेट कलेक्शन है। तो इस तरह से होता है। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा मैं जो बोल रहा था, जो पहले दिन की अर्निंग आई है 10.36 करोड़ आई है नेट कलेक्शन की, ग्रॉस कलेक्शन की आई है 14.39 करोड़। हाँ, 14.39 करोड़ अर्निंग आई है। अब वर्ल्ड वाइड लेवल की बात करते हैं, और जब वर्ल्ड वाइड लेवल का हम कलेक्शंस का बात करते हैं तो हम इंडिया के जो कलेक्शन उसके साथ जोड़ेंगे वो नेट कलेक्शन नहीं जोड़ेंगे, यानी 10.36 करोड़ नहीं जोड़ेंगे जो कट के आता है प्रॉफिट को काट के, हम ग्रॉस कलेक्शन जोड़ेंगे जो सब एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह लगा के जितना भी कलेक्शन आया, जैसे कि 14.39 करोड़, वो जोड़ेंगे। तो इंडिया में 14.39 करोड़ इस फिल्म ने कमाया है बेफिक्रे ने, और इंडिया के बाहर इस फिल्म ने अच्छा कमाल किया है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका का जो सर्किट है यूएसए और कनाडा का, वहां पे फिल्म ने 1.13 करोड़ कमाया पहले दिन, और बाकी जो यूनाइटेड किंगडम है वहां पे करीबन करीबन आई थिंक 40 से 45 लाख का बिजनेस किया है पहले दिन फिल्म ने, और साथ ही साथ जो न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रेलिया में वहां पे भी एक अच्छा डिसेंट सा बिजनेस किया है। तो ओवरऑल फिल्म का जो कलेक्शन हुआ है अभी तक पहले दिन का वर्ल्ड वाइड लेवल पे इंडिया का 14.39 करोड़ प्लस बाहर का जितना भी कलेक्शन मिला के टोटल जो अमाउंट है वो मैं बता रहा हूँ 16.23 करोड़, यानी कि फिल्म ने 16 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। तो ये एक बहुत अच्छा कलेक्शन है। पहले दिन की बात करें तो फिल्म का जो बजट है मैंने आपको बताया था 55 करोड़ में फिल्म बनी है, बाकी 15 करोड़ उसके मार्केटिंग वो सब में गए थे, माफ कीजिएगा, तो 70 करोड़ फिल्म की लागत है, और करीबन करीबन फिल्म को अगर हिट फिल्म भी करार या साबित होना है तो उसको कम से कम 100 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करना ही होगा, यानी कि अगर ये फिल्म एक हिट फिल्म साबित होनी है तो 100 करोड़ आराम से कमाने होंगे, वरना ये हिट फिल्म के लिस्ट में शुमार नहीं हो पाएगी क्योंकि ऑलरेडी इसका बजट 70 करोड़ है। तो महंगी फिल्म है अपने आप में, आप समझ चुके होंगे, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जो नेट और ग्रॉस के भी आंकड़े समझ चुके होंगे, और मेरे जो है दोस्तों ने कहा था कि ये कहीं ना कहीं आपकी गलती हो रही है, आप थोड़ा सा और थोड़ा सा स्टडी कीजिए, फिर मुझे लगा बिल्कुल सही है, थोड़ा बहुत आंकड़ों में जो डिफरेंस हुआ था ये सब रीजन की वजह से हो रहा था, क्योंकि मैं मोस्टली
जो ग्रॉस कलेक्शन पकड़ना चाहिए था वर्ल्ड वाइड लेवल पे इंडिया का, वहां पे मैं नेट पकड़ रहा था। तो ये कहीं ना कहीं कुछ वीडियोस में मिस्टेक जरूर हुई है, तो ये आप समझ में आ गया होगा बेसिक। माफ कीजिए, आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े के बारे में आप कितने खुश हैं, 16.23 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो आया है पहले दिन का बेफिक्र उससे, और आप कितना क्लियर आपको समझा जो मैंने आपको बताया इसके बारे में बताइएगा, और आपकी जो भी नॉलेज होगी हम ऐसे ही शेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा क्लियरिटी मिलेगी। ज़्यादातर मैं बहुत इंप्रूव हूँ, आप लोगों की वजह से ही मैं इंप्रूव हो रहा हूँ, और इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो कुछ इसी तरह बॉलीवुड खबरें पर चली तो आपको जरूर बताऊंगा। और एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, पिछले कुछ दिनों से मैं आपके कमेंट को प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पा रहा, उसका रीज़न ये है कि जिस ऐप से मैं रिप्लाई करता हूँ वो बार बार हैंग हो रहा है और पीसी पे उतना टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस डे मैं आज सभी को रिप्लाई जरूर कर दूंगा जितने भी 2-3 दिन के कमेंट्स पेंडिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसी तरह आपको हर चीज़ों के बारे में मैं बेसिक बेसिक सब अपडेट देता रहूंगा। चलिए तब तक के लिए उड़े दिल बेफिक्रे, उड़े दिल बेफिक्रे, अंदाजों में निकले, उड़े दिल बेफिक्रे, बाय।